तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, जो आप मकान बनाते हो, रेत बजरी कहाँ से लाते हो। चलिए दोस्तों, आपको मैं एक स्टोन क्लेसर दिखाता हूँ, जहाँ से आपके मकान की रेत और बजरी आती हैं और कैसे बनती हैं ये, ऐसे ये भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं सेठी जी के साथ, इसके स्टोन ग्लेशियर पे, इनका स्टोन ग्लेशियर है, तो सेठी के स्टोन ग्लेशियर पर जाएंगे और देखेंगे वहाँ पर इन्होंने कितना कितना मटेरियल ले रखा है। फिलहाल क्षेत्र में बहुत ही नामी है इनका स्टोन ग्लेशियर, तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए सेठी जी क्या है। तो दोस्तों हम बैठेंगे अब सेठी जी के लोडर पे। ये लोडर बहुत ही शानदार तरीके से रेत उठाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं। जबरदस्त तरीके से, और हमें डर लगता हुआ यहाँ पर, और सेठी जी लोडर को बढ़ाते जा रहे हैं। डर नहीं लग रहा तुम बाहर खड़े? इस चीज का डर है, जबरदस्त साल की एक्सपीरियंस है, इसलिए डर थोड़ी लगेगा। तो देखिए दोस्तों, हम पहुंच गए स्टोन ग्लेशियर पे। ये आपको दिख रहा है, ये सामने की साइड ये मशीनें लग रही हैं। ये स्टोन ग्लेशियर है दोस्तों, जो बड़े बड़े स्टोन को पीस कर रेत और बजरी बनाता है। तो ये देखिए दोस्तों, ऊपर से ये ऐसा होता है स्टोन ग्लेशियर, और फर्स्ट जो श्रेणी होती है ये वाली होती है, ये डब्बा सा, इसमें स्टोन गिरता है, पत्थर गिरता है, फिर ये कन्वेयर बेल्ट पे आता है। कन्वेयर बेल्ट पे आकर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, अलग अलग पार्ट्स में ये रेत बजरी और डस्ट निकल जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ निकलती हैं, अलग अलग mm की बजरियाँ निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं इसमें। ये है स्टोन ग्लेशियर पूरा। अब दिखाते हैं काम कैसे करता है पूरा। ये मेन चेंज ओवर है, मेन चेंज ओवर है, 11 किलो वाट का। हाँ, यहाँ से लिखा हुआ है, ये गुजर रहे चेंज ओवर लाइन काटने के लिए। और ये भाई साहब का पूरा सिस्टम है, पैनल है पूरा का पूरा, यहाँ पर यहाँ से ही कंट्रोल होते हैं। तो ये भाई साहब यहाँ कंट्रोल करते हैं सारी चीजें, अपना रोड अफेक्ट कर रहा है। अच्छा जी, ये अपने मेन मोटर लिखा हुआ है, 42 जनरेटर है दोनों। अच्छा जी, ये अपना मेन चेंज ओवर है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे सब डिस्टर्ब है, जो बड़ी मशीन है अपना छोटी है, जिसकी वही है। अच्छा, बड़ी मशीन का जी, जाम मशीन, जाम मशीन छोटी। बढ़िया बढ़िया भाई। उसके बाद अपना ये जाम मशीन के ऊपर फिटर है, ये भी फिटर है, और ये भी फिटर है। इधर अपना वॉशिंग का प्लांट है। अच्छा, वॉशिंग का पूरा सिस्टम इधर से ही कंट्रोल होगा। यहाँ पे भी वॉशिंग का है, और वैसा है ये अपनी कन्वेयर है इसमें। बहुत बढ़िया सिस्टम भाई। तुम्हें कितने साल का एक्सपीरियंस है? 12 साल का एक्सपीरियंस। ये भी तो तुम बड़े अच्छी तरह बता रहे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से ये माल उठता है, मतलब यहाँ आकर माल ट्रक डालते हैं, इस रास्ते से आएगा माल और यहाँ डल जाएगा। जो मैं गड्ढा उधर से दिखा रहा था ना आपको, ऊपर की तरफ वाला ये पोर्शन, ऊपर वाला इधर गिर जाएगा, गिर के फिर सारी मशीन में जाकर अलग अलग हिस्से में फिर माल बन जाएगा। खोजी ये लगी हुई मशीन बड़ी बड़ी, पानी के थ्रू नीचे जाते होंगे इसके। नहीं, पानी नहीं, वो तो सूखा माल, वाइब्रेट होती होगी मशीन, वाइब्रेट वो मशीन, फिर उधर धुलाई हो। हाँ, उस साइड, उस साइड में धुलाई होगा, फिर कन्वेयर बेल्ट पर टूट का होगा, वो इसके साइज का टूट का होगा, उधर से ये तोड़ेंगे, फिर बारीक साइज का, उसके जो ऊपर साइड में मशीन रख के उसके साइज का। अच्छा, अलग अलग हिसाब से? हाँ, अलग अलग, मतलब बहुत सारी मशीन है, एक में ही चार मशीन है। चार मशीन, एक दो तीन चार पाँच छह मशीन लग रही है मुझे तो। ये नहीं, मशीन तो हमारे पास चार ही हैं, दो कन्वेटर है 942 के, अच्छा एक रोटा फैक्टर है, एक 2436 जाम मशीन है। जाम मशीन, हाँ जी। तो ये कितने घंटे चलती रहे? ये तो 24 घंटे चलती रहेंगी रेगुलर। अच्छा, अगर लाइट भागी तो? लाइट भागेगी तो बंद होगा, बंद होगा। ये देखो, ये भी कन्वेयर बेल्ट इधर जा रही है, एक उधर जा रही है, उधर से खरीदा आ रही है एक मशीन मेन। अच्छा, ये चीज पत्थर को बारीक करती है, ये वाली चीज, ये इस साइज में करता पत्थर को, ऐसे साइज में बारीक कर देती है इससे। देखो एक एक ये निकल गया, ये बड़ा 40 mm निकला, ये 40 mm वो वाला चक्का इसमें लगेगा, ये काट के फिर डस्ट बना देगा, बना देगा, फिर ये बेल्ट से उधर जाएगा। अच्छा, ये इधर इधर आ जाता होगा। हाँ। ये कोर्स है जो उसमें माल डलेगा ना, वो पानी पूरा चल रहा है उसके ऊपर। हाँ। तो पानी वाला को लगा देते। तो मतलब एक पत्थर की कितनी चीज बन रही है यहाँ? पांच चीज, एक पत्थर की पांच चीज बन रही है, अलग अलग बेल्ट पे जाके खुद गिर रही। छह बना लो, सात बना लो, एक तो इधर आ गई, ये रेत बन गया इसका। निकलती है, बन गया है जी। और दोस्तों इसके जो मोटर की बात करें ना, बहुत धासु धासु मोटर है ये, देखो टॉप मोटर, और सारी लाइट से चल रही, देखो कितना बड़ा मोटर, एक इधर भी लग रहा है इधर, ये वाला कितना बड़ा मोटर है इसका, देखो दोस्तों कन्वेयर बेल्ट चल रही है इससे, मशीन चल रही है, मशीन सॉरी, ये माल देखो दोस्तों।
तो सिटी तुम ही करोगे जेसीबी से उसमें डालना जेसीबी से लोडर अच्छा मशीन जेसीबी की पसंद है अच्छा लोडर नहीं पसंद है लोडर जेसीबी का पोपलाइन जेसीबी की मतलब कंपनी जेसीबी पसंद है अच्छा जेसीबी की और कोई से कंपनी नहीं छेड़ते जैसे बुल होगी बुल बुल भी बढ़िया लेकिन हम चलाते नहीं अच्छा तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो उम्मीद है पसंद आएगी धन्यवाद।